फ्रेंड्स, आज हम लोग टाच बेरर का सेकंड पार्ट देखेंगे। हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे, ये सेकंड पार्ट देखते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि जो बड़ा लड़का था वो सीधे बाजार जाता है, बहुत घूमता है और सोचता है कि हमारे पिताजी की बुद्धि चली गई है। एट लास्ट भूसे की बैलगाड़ी दिखाई देती है और उसको 1 रुपये में खरीद लेता है, घर पर लाता है, पूरा भूसा मतलब वो पलट देता है, फिर भी उसका घर नहीं भरता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अगली जो कहानी शुरू होगी वहाँ शुरू होगी। ये पूरा एक सिटीजन के बारे में बताया गया है कि हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं तो हमें क्या नॉलेज मिलता है, कौन सा ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, इस पे डिपेंड है। तो हम लोग आगे वाली मतलब आगे जो लेसन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। चलिए देखते हैं। देखिए बता रहे कि व्हेन द सेकेंड सन बेंट आउट, जब दूसरा लड़का यानी छोटा वाला, व्हेन द सेकेंड सन बेंट आउट, जब दूसरा लड़का बाहर गया विथ हिज रुपीज, अपने पैसे के साथ, विथ हिज साथ, ही डिड नॉट गो टू स्ट्रेट वे टू द बाजार। तो ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया स्ट्रेट वे, सीधे स्ट्रेट में सीधा भी मिस रास्ता, स्ट्रेट वे टू द बाजार, तो सीधे बाजार नहीं गया। इंस्टीड ऑफ मिस होता है के बजाय, इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, देखिए दैट मिस ऐसा, डूइंग मिस करने, इंस्टीड ऑफ मिस बजाय, ऐसा करने के बजाय, ही सैट डाउन, वो बैठ गया, एंड बिगेन टू थिंक, और सोचना शुरू किया, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, ही सैट थिंकिंग, वो बैठ कर सोचता रहा अबाउट के बारे में, कि व्हाट ही कुड पॉसिबली बाई, कि व्हाट मिस क्या ही कुड पॉसिबली, वह संभवता बाई मिस खरीद सकता है, कि वह संभवता वह क्या खरीद सकता है जिससे पूरा घर भर जाए। एट लास्ट अंत में, एट द इवनिंग टाइम, शाम के समय, एन आइडिया एक विचार स्ट्रक आया, मीन्स आया हिम मतलब उसे, उसे एक तर्क एक आइडिया आया, विचार आया, टेकिंग हिज रुपीज, अपने पैसे को लेते हुए, ही वॉक्ड क्विकली डाउन द बाजार, ही वॉक्ड चल दिया क्विकली तुरंत डाउन द बाजार, बाजार की ओर, टिल तक, कहाँ पहुँचा, ही केम टू ए शॉप, वो कहाँ पहुँचा, वो एक दुकान पर आया, वेयर जहाँ कैंडल्स वेयर सोल्ड, देखिए यहाँ पे पैसिवाइज में लिखा गया है, कैंडल्स वेयर सोल्ड, मोमबत्तियाँ बेची जाती थी, वहाँ वहाँ गया उस दुकान पे, ही स्पेंट, उसने खर्च कर दिया, हिज रुपीज, अपने पैसे को, ऑन द कैंडल्स, मोमबत्तियों पर, ऑन मिस पर, कैंडल मिस मोमबत्तियों पर, ऑन द कैंडल्स मोमबत्तियों पर, ऑफ विच, जिससे, विच मिस जिससे, जिससे, ही गॉट, उसने प्राप्त किया क्वाइट ए नंबर, गॉट मिस प्राप्त किया, जो उसने उस पैसे से, गॉट क्वाइट ए नंबर, बहुत सारी मैंने बहुत सारी मोमबत्तियाँ उसने खरीदा, विच में जिससे, ही स्पेंड हिज रुपीज, उसने अपने पैसे को खर्च कर दिया ऑन द कैंडल्स मोमबत्तियों पर, विच जिससे ही गॉट ए क्वाइट नंबर, उससे बहुत सारी मोमबत्तियाँ मिली। देन इसके बाद, टेकिंग हिज कैंडल्स, अपनी मोमबत्तियों को लेते हुए, विथ हिम अपने साथ, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, वह वापस टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर चल दिया। व्हेन ही गॉट देयर, जब वो वहाँ पहुँचा, देखिए गॉट मीन्स प्राप्त हुआ नहीं पहुँचा, तो हिज ब्रदर, उसका भाई, वाज स्टैंडिंग, खड़ा था, डिस्कॉन्सोलेटली, निराशापूर्वक, लुकिंग, देख रहा था, एट द हे, भूसे को, स्पर्ड आउट ऑन द फ्लोर, यानी जब वो घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसका भाई डिस्कॉन्सेंटली निराशापूर्वक लुकिंग देख रहा था, एट द हे, भूसे को, स्प्रेड आउट डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पे फैलाकर उसको निराशापूर्वक देख रहा था। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा था, इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था, क्विकली जल्दी ही, द सेकेंड सन, दूसरा लड़का, स्टूड, खड़ा कर दिया, टू आर थ्री कैंडल्स, दो या तीन मोमबत्तियाँ, इन ईच रूम, प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक कमरे उसने एक दो या तीन मोमबत्ती लगा दी। देन इसके बाद, ही लिट, उसने जलाया, दमिस, उनको, मोमबत्तियों को, एट वंस, तुरंत, इसका मैचिंग वर्ड इमिडिएटली होता है, तुरंत, द होल हाउस, एट वंस द हाउस, तुरंत द हाउस मतलब घर, वाज फील्ड, भर गया विथ लाइट, प्रकाश से, तुरंत वह घर प्रकाश से, और जब उसका घर प्रकाश से भर गया तो एटवंस द होल एटवंस द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट,
तुरंत प्रकाश तुरंत पूरा जो घर था वो प्रकाश से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज, उसका उसके पिता बहुत प्रसन्न थे विथ हिम उसके साथ एंड सैड, और कहा उस बूढ़े बाबा ने कहा कि माय सन मेरे पुत्र, यू हैव सोन, आपने दिखाया, देखिए सोन है दिखाना, माय सन मेरे पुत्र यू हैव सोन, तुमने दिखाया है ट्रू विजडम सही बुद्धिमानी, आई एम रेडी मैं तैयार हूँ टू हैंड ओवर, हैंड ओवर देना, टू हैंड ओवर देने के लिए ऑल माई मनी अपने पूरे धन को टू यू तुमको। देखिए एक तो एग्जाम्पल था, अब हम लोग कहानी पे आते हैं। नाउ मी सब वी आर लिव, हम सभी लोग रहते हैं इन अ बिग हाउस, एक बड़े घर में, हम सब एक बड़े घर में रहते हैं विच जिसे वी कॉल, जिसे हम कहते हैं आवर नेटिव कंट्री, अपनी मातृभूमि, नेटिव कंट्री में से मातृभूमि, यानी हम लोग एक बड़े घर में रहते हैं जिसे हम अपनी नेटिव कंट्री, अपनी मातृभूमि कहते हैं, अपना देश कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक के पास विन गिवेन, दिया गया है, पैसे में लिखा गया पूरा विन गिवेन, दिया गया है, क्या दिया गया है, सम वन रुपीज, किसी को एक रुपया, सम टू रुपीज, किसी को दो रुपये, सम थ्री रुपीज, किसी को तीन रुपये, एंड सम फोर, किसी को चार रुपये। ये क्या है, ये पैसे नहीं, ये बुद्धि है। डीज रुपीज, ये रुपीज आर नॉट रुपीज, ये रुपये रुपये नहीं है, विथ विच जिससे वी कैन बाई, हम खरीद सकते हैं थिंग्स, चीज़ें, ये रुपये रुपये नहीं जिससे हम चीज़ें खरीद सकते हैं, बट लेकिन दे आर डिफरेंट पावर, ये विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं, वी हैव बीन गिवेन, जो हमें दी गई हैं। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक के पास हैज़ पावर ऑफ बॉडी, शारीरिक शक्ति है, पावर्स ऑफ माइंड, मानसिक शक्ति है, पावर ऑफ करेक्टर, चारित्रिक शक्ति है। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक लोग के पास हैज़ स्ट्रेंथ, क्या है, शक्ति है, टाइम, समय है, एंड इंटेलिजेंस, और बुद्धिमानी है, यानी सभी के पास शक्ति है, टाइम है और बुद्धिमानी है, विच जिसे कैन बी यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जा सकता है, जिसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड गो आउट, और जाते हैं इन टू द वर्ल्ड, दुनिया में, तो वी आर टेस्टेड, तो हमारी परीक्षा होती है, एज की टू है, एज क्यों होती है कि एज, जैसे टू हाउ, टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज, कि हम प्रयोग कैसे करने जा रहे हैं दीज टैलेंट्स, इन बुद्धियों का, योग्यताओं का, क्षमताओं का, विच बी प्रोसेस, जो हम रखे हैं, जो हमारे पास है, आर अथवा वी आर गोइंग टू यूज देम, क्या हम इनका प्रयोग करने जा करके, आर वी आर गोइंग टू यूज देम, क्या हम इनका प्रयोग करके, प्रयोग करने जा रहे हैं टू बाई, खरीदने में यूजलेस है, क्या हमारी बुद्धि इसी लायक है कि हम इनका प्रयोग करके भूसा खरीदने जा रहे हैं उस व्यापारिक लड़के की तरह, आर अथवा आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट, अथवा हम इनका प्रयोग करके प्रकाश फैलाने जा रहे हैं थ्रू आउट आवर हाउस, अपने पूरे घर में, दैट इज आवर कंट्री, जो हमारा देश है। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम अच्छे नागरिक होने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं, देन तब वी शैल यूज, तो हमें प्रयोग करना चाहिए आवर पावर्स, अपनी शक्तियों को, एन एबिलिटीज, योग्यताओं को, टू ट्राई, प्रयास करने में, टू स्प्रेड लाइट इन टू द ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं तो हमें अपने सभी प्रकार की शक्तियों का, योग्यताओं का प्रयोग करके पूरे देश में प्रकाश फैलाने का कार्य करना चाहिए। अगला, दैट इज, जो है, वी शैल स्पेंड, हमें खर्च करना चाहिए आवर सेल्फ, अपने आप को, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सेवा में, हमें अपने देश की सेवा अपने आप को लगा देना चाहिए। नाउ नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता अनलेस, मिस के बिना, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई देश उन्नति नहीं कर सकता अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन, बिना अच्छे नागरिक के, यानी बिना अच्छे नागरिक के कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता। सो दैट, ताकि, सो दैट, इसलिए, इफ वी लव आवर कंट्री, यदि अपने देश से प्रेम करते हैं एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, तो वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, तो हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। व्हाइल, या करेंगे, व्हाइल वी आर एट स्कूल, जब स्कूल पर होते हैं, तो दिस इज व्हाट, तो क्या है कि वी शुड बी डूइंग, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग,
जो हम कर रहे होते हैं, यानी जब स्कूल पर होते हैं और जो हम कर रहे होते हैं, हमें क्या करना चाहिए उसको कह रहे हैं कि वी शुड बी ट्रेनिंग, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए आवर सेल्फ, अपने आप को इन सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए। एंड कल्टिवेट, और उत्पन्न करना चाहिए, कल्टिवेटर से बना हुआ है, एंड कल्टिवेट और कल्टिवेटिंग उत्पन्न करते रहना चाहिए द करेक्टरिस्ट, विशेषताएँ ऑफ गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक के। इफ़ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन मिस तब व्हेन वी लीव स्कूल, जब स्कूल को छोड़ेंगे एंड होम और घर को, व्हेन वी लीव स्कूल एंड होम, तब जब हम अपने घर को और स्कूल को छोड़ेंगे, एंड गो आउट इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के विभिन्न पार्ट भागों में जाएंगे, तो वी शैल बी एबल, तो हम योग्य होंगे टू फिल, भरने के लिए इट मीन्स इसको, अपने देश को, विल द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, यानी जब हम ऐसा कर पाएंगे, तो हम जब अपने देश के विभिन्न भागों में जाएंगे, तो यानी कि तो बी सेल बी एबल, तो हम सक्षम होंगे टू फिल, भरने के लिए इट मीन्स इसको, विल द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, अच्छे नागरिकता के प्रकाश से हम भरने में क्या होंगे, एबल होंगे, सक्षम होंगे। नमस्कार मित्रों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।